आज हम लोग झारखंड के टॉप 5 पार्क्स का टूर करने वाले हैं। आज ऐसे पार्क टूर करेंगे जो बेहद खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव, आप देख रहे हैं रांची जोन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज रांची जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पटेल पार्क हरमो का टूर करने के लिए। यह 5वें नंबर का पार्क है जो हम लोग अभी टूर करेंगे। पटेल पार्क हरमो में सिचुएटेड है जो बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप शाम में या फिर कभी भी विजिट करने के लिए जाते हैं तो आप यहां पर अपने बेहद ही खूबसूरत पल बिता सकते हैं। 2.5 एकड़ में फैला हुआ इस पार्क को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिलहाल में ही उद्घाटन किया है। यह बच्चों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन में से एक है। इसके बाद हमारा 4वें नंबर पर जो पार्क है वह है सिद्धू कान्हू पार्क मोराबादी। मोराबादी में सिचुएटेड यह सिद्धू कान्हू पार्क मुख्यमंत्री आवास के जस्ट बगल में है। यह बेहद ही खूबसूरत पार्क में से एक है। अगर बोला जाए तो यह रांची यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में यह पार्क सिचुएटेड है और यहाँ पर इसके जस्ट सटा हुआ मुख्यमंत्री आवास भी है। तो अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको बेहद ही खूबसूरत वातावरण देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद ना सिर्फ आप इस पार्क की खूबसूरती को देख सकते हैं बल्कि यहाँ पर जाने के बाद जो है आपको बेहद ही खूबसूरत फाउंटेन नजर आएगा, फवारा नजर आएगा और इसके अंदर में आपको टॉय ट्रेन भी देखने के लिए मिल जाएंगी जिसका आप सवारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है अंदर जाने के बाद टॉय ट्रेन तो आप चढ़ ही लेंगे लेकिन अंदर जाने से पहले आपको जो है 15 से 20 रुपए टिकट के प्राइस देने होंगे। रांची से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड यह सिद्धू कान्हू पार्क झारखंड की सबसे खूबसूरत पार्क में से एक है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। और अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं कि रांची के खूबसूरत पार्कों का टूर करें तो आपके लिए यह पार्क बेहद ही खूबसूरत पार्क में से एक होने वाला है। यहाँ पर जाने के बाद जो है आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत एक वाटरफॉल भी दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल मूर्तियां बनाई गई हैं, कल्चरल फोटोज बनाए गए हैं जिनका आप जो है आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी खूबसूरत पल बिता सकते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल वाटरफॉल फाउंटेन फवारा के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत एक छोटा सा तालाब भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है ऑक्सीजन पार्क मोराबादी। यह पार्क हमारे लिए 3रे नंबर पर हम लोगों ने रखा है ऑक्सीजन पार्क को जो मोराबादी मैदान के जस्ट बगल में सिचुएटेड है। अगर इस पार्क को बोला जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर घूमा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा विजिट किया जाता है। तो झारखंड की टॉप सबसे ज्यादा विजिट करने वाली पार्क में से अगर कोई है तो ये ऑक्सीजन पार्क एक है उनमें से। यहाँ पर जाने के बाद जो है आप बेहद ही खूबसूरत यहाँ का वातावरण देख सकते हैं, यहाँ का प्लांटेशन देख सकते हैं, यहाँ का गार्डनिंग देख सकते हैं। खास बात यह है कि यह एक पब्लिक पार्क है जहाँ पर आपको 1 रुपए भी देने नहीं होंगे। यह पार्क डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है जेल पार्क जो लालपुर में सिचुएटेड है, मतलब जेल मोड़ के पास सिचुएटेड है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको जो है बेहद ही खूबसूरत पार्क देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल में ही इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया यह जेल पार्क एक हिस्टोरिकल प्लेस है अगर कहा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर पहले जेल हुआ करता था ऐसा माना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत चीजों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन नजर आ सकते हैं, आपको बेहद ही खूबसूरत गार्डनिंग नजर आ सकता है। यहाँ पर एक गांव की तरह बसाया हुआ एक आर्टिफिशियल विलेज भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपने खूबसूरत पल भी बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि आप यहाँ पर जो है विजिट करते करते थक जाएंगे। इस पार्क को कई नामों से जाना जाता है। इस पार्क को कभी कभी जेल पार्क भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान भी कहा जाता है और बिरसा मुंडा संग्रहालय भी कहा जाता है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी जो बेहद ही अट्रैक्टिव होंगी। यहाँ पर आपको हिस्ट्री की चीजें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक जेल के जैसा अंदर में जाने के बाद दिखाई देगा। यहाँ पर आप जो है बच्चों के लिए इंटरटेनिंग करने का चीजें भी देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप पूरे पार्क का विजिट कर सकते हैं। रांची के जेल मोड़ के जस्ट बगल में सिचुएटेड या जेल पार्क में अगर विजिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहां पर एंट्री करने के लिए लगभग 30 रुपए देने होंगे क्योंकि इस पार्क में एंट्री करने का प्राइस 30 रुपए है। उसके अलावा जो है आप और भी एक इंस्ट्रक्शन जान लें कि यहां पर आप खाने पीने की चीजें नहीं ले जा सकते हैं अंदर। यह झारखंड का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले पार्क में से एक है। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है जो 1st नंबर पर है वह है रॉक गार्डन कांके।
ताके में सिचुएटेड रॉक गार्डन खासकर कपल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप विजिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस रॉक गार्डन का, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने का भी जो है एंट्री प्राइस है 30 रुपए। लेकिन खास बात यह है कि इस रॉक गार्डन के जस्ट बगल में बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जो कांके डैम है। इसके अलावा इस पार्क से आप जो है सनसेट और सनराइज जैसे नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जाना इसलिए भी बेहद ही खूबसूरत होता है क्योंकि यहाँ पर जस्ट बगल में कांके डैम सिचुएटेड है, जो बेहद ही अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर जाने के बाद जो है आपको ज़्यादातर कपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी जाते हैं विजिट करने, जो कपल नहीं है, फैमिली हो, फ्रेंड हो, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद जो है आप बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि यह झारखंड का सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली पार्क में से है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए रांची जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।